मोदी ने यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर। मेट्रो से पहुंचे कामगारों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि IICC के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली के द्वारका में बना यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE मीटिंग्स इंटेंसिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री इसी मेट्रो में सवार होकर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने पारंपरिक काम करने वाले कामगारों से मुलाकात की। यह कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है, जहां 9 और 10 सितंबर को G20 की मीटिंग हुई थी। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम 123 एकड़ में तैयार किया गया है। कन्वेंशन सेंटर में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ 3000 कारें पार्क की जा सकती हैं। इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।